गुजरात चुनाव का प्रचार थम चुका हो, लेकिन कांग्रेस की कमान संभाले राहुल गांधी है, जिन्होंने अभी भी वोटरों को लुभाने के लिए अपनी ताकत मैदान में झोंक रखी है। इस बार का गुजरात चुनाव बाकी चुनावों के मुकाबले सबसे अहम है। एक तरफ पीएम मोदी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं अध्यक्ष बनने के बाद राहुल की ये पहली अग्नि परीक्षा है। ऐसे में राहुल ने सोनिया पर भावुक किस्सा सुनाकर गुजरात की राजनीति में तड़का लगा दिया है। एक गुजराती चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल ने सोनिया गांधी को लेकर भावुक किस्से का जिक्र किया। राहुल ने बताया कि प्रचार के दौरान वे एक मंदिर में दर्शन के लिए गए। पूजा के बाद पुजारी ने उनसे एक शॉल देते हुए कहा कि इसे मेरी बेटी को दे देना। राहुल ने कहा, पहले मुझे समझ नहीं आया कि जब पुजारी की बेटी है तो वो मुझे क्यों दे रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी बात समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी सोनिया गांधी के लिए है, उन्हें ये शॉल देकर कहना कि जब वे अमेरिका जाएं तो इसे ओढ़ कर जाएं। पुजारी के इस प्रेम को देखकर राहुल ने सीधा सोनिया गांधी को फोन लगाया और पुजारी से कहा कि अपनी बेटी से बात कर लीजिए, जिसके बाद फोन पर ही पुजारी रोने लगा, जिसको देखकर मन ही मन राहुल को भी रोना आ गया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन के चलते राहुल को नोटिस भेजा है। 14 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान है और ऐसे में राहुल ने तो सोनिया गांधी को लेकर भावुक किस्से का तड़का लगा दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बार गुजरात जीत पाएगी, ये तो नतीजे ही बयां कर पाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।